हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ एनालिसिस ऑफ SSC CHSL एग्जाम व्हिच एच ऑन ट्वेल्थ अक्टूबर 2020 सो ये ट्वेल्थ अक्टूबर 2020 तीनों शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट टू है सो so, जो क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स uh, ने बताए हैं और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो आई हैव अ रिक्वेस्ट प्लीज वो वीडियो जरूर देखें बिकॉज उसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो uh, है डिस्कस कर लिए और बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए दैट इज आल्सो अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं सो so, बिना वेस्ट करें हम चलते हैं आगे की ओर और, और हमारे जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं गाइस सो मूविंग ऑन हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे जीके के बारे में जीके के कुछ और क्वेश्चंस हमें पता लगे हैं सो हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं एक जो जीके का क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज वो आया था कि सिल्वर वैली नेशनल पार्क सिल्वर वैली नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है सो सिल्वर वैली नेशनल पार्क गाइस लोकेटेड है केरला में ठीक है सो केरला वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे लोकेटेड है सो so, सिंस ये सिल्वर वैली नेशनल पार्क की बात हो रही है तो इसलिए मुझे याद आ गया कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी है बहुत फेमस है ये इंडिया में ये जो लोकेटेड है वो यूके में उत्तराखंड में ओके <laughs> सो okay, so उत्तराखंड में ये लोकेटेड है सिमिलरली uh, एक और हमारा है पिन वैली सो so, पिन वैली नेशनल पार्क भी है ये हमारा लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में सो so, आप लोगों ने अगर नेशनल पार्क्स नहीं किए एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क हमारे हैं और लोकेशन क्या है जो प्राइम है ये थोड़े इम्पोर्टेंट थे सिंस वैली नेशनल पार्क की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने दो और एग्जांपल्स लेके आपको बता दिए ताकि अगर आने वाले एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में अगर ये आते हैं सो तो इट विल भी हेल्पफुल फॉर यू एक क्वेश्चन राइज ये भी आया था कि मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी थी सो मिस यूनिवर्स 2019 बनी थी साउथ अफ्रीका की सो आई गेस बेसिकली कंट्री पूछा गया था कि कौन सी कंट्री से बनी थी मिस यूनिवर्स 2019 थाउजेंड नाइनटीन सो उनका जो नाम है जोजबिन टूजी ठीक है सो साउथ अफ्रीका से ये बात याद रखिएगा कि बनी थी एक और क्वेश्चन है कि भूटान का नेशनल गेम पूछा गया था भूटान का नेशनल गेम क्या है सो so, भूटान का जो नेशनल गेम है गाइस वो है ऑल राइट right. uh, हाँ एक क्वेश्चन uh, और है uh, जो हमें पता लगा है कि गोवा लिबरेशन डे कब बनाया जाता है सो so, गोवा लिबरेशन डे बनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिब्रेशन डे बनाया जाता है इस दिन बनाया जाता है एक डांस फॉर्म जरूर पूछी गई है सागा डांस के बारे में पूछा गया कि सागा डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है so, सागा डांस रिलेटेड है सिक्किम से ऐसी डांस फॉर्म जरूर याद कर लेना हमारे बहुत सारे फोक डांस है हमारे आ, क्लासिकल डांस है इंडिया में वी हैव हाँ गॉट एट क्लासिकल डांस जो so, वो भी एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा व्हिच इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम काफी क्वेश्चंस इनमें से आते हैं ओके okay. सो so, एक क्वेश्चन गाइस केमिस्ट्री से भी उठकर आया है इंटरेस्टिंगली कि टिन का सिंबल पूछा गया कि टिन का सिंबल क्या होता है सो so, टिन का सिंबल होता है गाइस Sn नॉर्मल Sn इज द सिंबल ऑफ द टिन एलिमेंट हम एक और क्वेश्चन uh, मैं आपको बताती हूँ। हैदराबाद को किसने फाउंड किया था फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी सो ये है कुल कुतुब शा, शाह कुल कुतुब शाह इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी ओके एक गाय ये भी पूछा गया बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो पूछा गया सिंपल एक स्टेट दी नागालैंड और पूछा गया कि नागालैंड की कैपिटल क्या है ये सोचिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है नागालैंड की कैपिटल क्या है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है राइट right? एकदम स्टेट पूछी और कैपिटल गया इंटरेस्टिंग okay. क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि हमारे जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बहादुर शाह जफर ये लास्ट मुगल रूलर थे हमारे इनको जब ये बैटल हार गए थे इनको कौन सी जेल में रखा गया था हाँ कौन सी जगह पे कौन सी जगह पे वो लोकेटेड है जेल जहाँ पे रखा गया सो so, इसका जो आंसर है दैट इज रंगून रंगून में रखा गया ओके okay. सो so, ये कुछ जीके के क्वेश्चंस थे जो आज के एग्जाम में आए हैं एसएससी सीजेल ट्वेल्थ अक्टूबर Uh, के शिफ्ट में ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं सो so, uh, कुछ क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे तो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन प्लीज पार्ट वन जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर बाकी सारे क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस कर लिए हैं ओके सो मूविंग ऑन नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीजनिंग से uh, क्या क्वेश्चन आए है? uh, uh, हैं करने बच्चे भी इतना याद नहीं रख पाते हैं आप समझ ही पा रहे कि सिंपल सीरीज uh, so दी सेवन सिक्सटीन थर्टी फोर सेवेंटी सो हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए नहीं? So, अगर आप इस सीरीज का पैटर्न देखोगे गाइस, आप खुद ऑब्जर्व करोगे, आपको पता लग जाएगा इट इज इंटू टू प्लस टू सो से राइट सो आपको पैटर्न पता लग रहा है थर्टी फोर इंटू टू प्लस टू विल बी सेवनटीन सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सेवेंटी इंटू टू प्लस टू सो ये क्या हो जाएगा वन फोर्टी प्लस टू एंड इट इज वन फोर्टी टू सो इसका आंसर आपको पता लग गया क्या आ रहा है दी आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ये था मैं आपको लिख देती हूँ क्वेश्चन लिखा हुआ था कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो अ बॉय सेड She is the mother of the father of my father's only son. Okay, pointing towards a photo, a boy said.

फादर ऑफ माई यानी मेरे फादर फिर उसके बाद क्या लिखे उनकी मदर यानी मेरे फादर की मदर सो so, मेरे फादर की मदर है ना सो so, ये मेरी क्या लगी ये लगी ग्रैंड मदर सो इनके साथ क्या रिलेशन होगा ग्रैंड मदर का सो so, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है राइट right? uh, एक क्वेश्चन मिरर इमेज का भी आया है So, उसमें क्या है ऐसे से एक बॉक्स बना हुआ था यहाँ पे एक शेडेड सर्कल बना हुआ था और यहाँ पे एक प्लेन सर्कल सो इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये क्वेश्चन में पूछा गया था सो so, गाइड so, इसकी मिरर इमेज क्या होगी हम इसका मिरर इमेज बना लेते हैं यहाँ पे अगेन हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे So, जो यहाँ पे राइट में होगा हमेशा याद रखना मिरर इमेज में वही चीज क्या हो जाती है लेफ्ट में हो जाती है सो so, अगर ये राइट में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये क्या आ जाएगा लेफ्ट में वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा और जो लेफ्ट में है वो आ जाएगा राइट में सो so, ये हमारी क्या जाएगी? आ जाएगी मिरर इमेज ओके एक ये क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में दिया हुआ था चंडीगढ़ ऑप्शन में इंडिया सियोल। सियोल क्या है ये साउथ कोरिया की कैपिटल है ओके, आप अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो चंडीगढ़ क्या है इंडिया में आता है राइट और सियोल का एकदम अलग है बिकॉज ये साउथ कोरिया में आता है ये अलग कंट्री है so, एक वहां से क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया सो so, ये हमारे पास आए थे रीजनिंग से सो so, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इंग्लिश के आए हैं इस एग्जाम में hmm. ओके okay. इंग्लिश में कुछ एंटनिम्स और सनानिम्स आए हैं सो so, हमें जो पता लगे हैं वो आया है uh, मैं आपके सामने एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो हमें कन्फर्म्ड है कि काफ़ी सारे uh, बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन आए हैं सो so, वही हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक पूछा गया था टिमिट कि टिमिट uh, के बारे में आप बताओ सो so, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ टिमिट क्या होता है सो टिमिट इज लाइक वेरी डायरेक्ट वर्ड टिमिट का मतलब होता है वेरी uh, वीक जो शाई uh, होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना बोल्ड नहीं होता राइट right? सो so, इसका जो पूछा गया था एंटोनिम पूछा गया था सो so, इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा इसका ऑपोजिट विल बी करेजिस है ना बहुत सारे इसके हो सकते हैं करेजिस बोल्ड हो सकता है और इट कैन बी जो एग्जाम uh, में जो यस दिया था ऑप्शन वो दिया था ऑडिशियस तो ऑडिशियस का जो मतलब ही होता है वो मतलब होता है बोल्ड सो इसलिए जो ऑप्शन दिया था ऑडिशियस यस इट इज द करेक्ट आंसर ओके। एक uh, हमें और uh, भी दिया था के अलावा दिया गया था एक वर्ड uh, डिल्यूजन हम्म सो डिल्यूजन का एंटेनिम बताना है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डिल्यूजन का मतलब क्या होता है सो so, डिल्यूजन uh, का मतलब होता है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं इट्स नॉट ट्रस्ट वर्दी राइट सो उस केस में इसका जो एंटेनिम हो जाएगा वो एंटेनिम हो जाएगा ट्रस्ट है ना आप डिल्यूजन से मतलब समझ पा रहे हैं कि समथिंग uh, विच

एक गाइज uh, uh, एक ये भी क्वेश्चन आया था कि वॉइस का क्वेश्चन आया था कि जिसमें uh, बोला गया था कि आप इसका वॉइस चेंज करो सो क्वेश्चन वॉज द कार वॉज ब्रोकन सो दैट वॉज सेंटेंस और अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि पैसिव वॉइस है हमें इसे कन्वर्ट करना था एक्टिव वॉइस में सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है इसका आंसर एक्टिव वॉइस में होता सम बडी ब्रोक माई कार या ब्रोक द कार समी ब्रोक द कार एक क्वेश्चन आया था नरेशन के ऊपर भी आया था नरेशन का ये क्वेश्चन था कि ही सेड आई एम गोइंग दिस इवनिंग तो so, इसका आंसर क्या होगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग दैट इवनिंग ऑल राइट सो इसका आंसर ये होगा uh, एक uh, और मैं आपको बताती हूँ एक आया था सिनोनिम कि काउच पोटैटो किसको कहते हैं काउच पोटैटो से अगर आप ये वर्ड देखेंगे आपको वर्ड से ही थोड़ा बहुत रिजेम्बल हो जाएगा कि जो बैठ के अः खाता रहे है ना सो so ऐसे लोग जनरली क्या हम रेफर करते हैं लेपल हाँ टू वर्क टू मच लेट कैन बी अनऑक्यूपाइड है ना सो so ऐसे लोग uh, इसी से मुझे याद है एक और वर्ड आया था डिलीजेंट डिलीजेंट बहुत कॉमनली यूज वर्ड है तो so, डिलिजेंट uh, का जो मतलब होता है मतलब हार्ड वर्किंग जो बहुत मेहनती लोग होते हैं और इसको हम एक और भी बोलते इंडस्ट्रीज ठीक है सो ऐसे लोगों को डिलिजेंट कहा जाता है सो so, ये कुछ वर्ड्स uh, से जो एंटोनिम और सिनोनिम्स आए थे सो so, uh, जो भी हमें क्वेश्चंस पता लग पाए हमने मैक्सिमम डिस्कस करे सो इन क्वेश्चन के पैटर्न से देख के आपको लगा होगा क्वेश्चंस वर रियली इजी एंड इतना घबराने की बात नहीं है द पैटर्न वाज एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस वर डायरेक्ट सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व इफ यू हैव इन फैक्ट इफ आर अवेयर अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट ठीक है सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सो विल ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सो so, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिंक आप उससे वहाँ पे लिंक से वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं so, सो कल हम दोबारा वीडियो को लेकर आएंगे और एनालिसिस और डिफरेंट क्वेश्चन जो भी हमें पता लगेगा हम जरूर बताएंगे सो इफ यू हैव लाइक लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड चैनल So thank you so much for watching this video.